नमस्कार। समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम न्यूज विद चिल्ड्रन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी शर्मा। यह कार्यक्रम खास तौर से बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश और दुनिया की खबरों से अवगत कराएंगे। तो न्यूज विद चिल्ड्रन में सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों की। लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित हुए पीएम मोदी, अवार्ड की राशि नमामि गंगे योजना में देने का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 32 प्रस्तावों को दी मंजूरी, सस्ती होगी 5G सेवाएं, ऐतिहासिक इमारतों को लीज पर देने का फैसला। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की तीसरी वर्षगांठ पर उल्लास मोबाइल ऐप लॉन्च, बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और शिक्षा की क्रांति लाने में मिलेगी मदद। भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज पर 2-1 से किया कब्जा, निर्णायक तीसरे वनडे में वेस्ट इंडीज को 200 रनों से दी करारी शिकस्त। और अब खबरें विस्तार से। लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित हुए पीएम मोदी, अवार्ड की राशि नमामि गंगे योजना में देने का किया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुणे में लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने इसे अविस्मरणीय क्षण बताया। उन्होंने कहा, मैं लोकमान्य तिलक अवार्ड को 140 करोड़ देशवासियों को समर्पित करता हूं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पुरस्कार के साथ मिलने वाली राशि को नमामि गंगे परियोजना में दान देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आज का ये दिन मेरे लिए बहुत अहम है। मैं यहाँ आकर जितना उत्साहित हूँ उतना ही भावुक हूँ। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि पुरस्कार के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी सेवा में, उनकी आशाओं और अपेक्षाओं की पूर्ति में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। महिला सशक्तिकरण पर G20 सम्मेलन को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। पीएम मोदी ने कहा कि जब महिला सशक्त होती है तो दुनिया सशक्त होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि जब महिला सशक्त होती है तो दुनिया सशक्त होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत महिला सशक्तिकरण में प्रगति कर रहा है। महिलाओं के साथ दुनिया समृद्ध होती है। 46% निर्वाचित अधिकारी महिलाएँ हैं। उन्होंने महिलाओं के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने का आह्वान किया और सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए समान अवसर की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने सहकारी क्षेत्र, विशेषकर डेयरी क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को याद किया। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक लोकसभा में हुआ पास, जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कराना हुआ आसान। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 पारित हो गया है। इस विधेयक में जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डेटाबेस तैयार करने का प्रस्ताव है। इससे जन्म पंजीकरण के दौरान माता पिता या अभिभावक के आधार नंबर की आवश्यकता होगी। कानून लागू होने के बाद जन्म प्रमाण पत्र स्कूल में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, मतदाता सूची तैयार करने, विवाह पंजीकरण, सरकारी रोजगार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पासपोर्ट जारी करने और आधार नंबर जारी करने सहित विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी, जिससे कुशल और पारदर्शी सार्वजनिक सेवाओं और सामाजिक लाभ वितरण को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 32 प्रस्तावों को दी मंजूरी, सस्ती होगी 5G सेवाएं, ऐतिहासिक इमारतों को लीज पर देने का फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनमें हेरिटेज होटलों के विकास, निजी क्षेत्र के सहयोग से वाहन फिटनेस जांच सेंटर खोलने, चिकित्सा उपकरण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए फार्मा नीति, बुंदेलखंड में जल आधारित पर्यटन और साहसिक खेल नीति को स्वीकृति दी गई है, जिसके बाद प्रदेश में ऐतिहासिक इमारतें को हेरिटेज होटलों में बदलने की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रदेश के इमारतों का चयन भी किया जा चुका है, जिनमें लखनऊ की छतर मंजिल, झांसी का बरुआ सागर किला, मथुरा का बरसाना जल महल, बिठूर की टिकैत राय बरादरी और कोठी दर्शन विलास जैसे कई इमारतें शामिल हैं।
साथ ही कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के लिए विधेयक 2023 के गठन को भी मंजूरी दे दी है, जो कि राज्य में लगभग सभी प्रकार के संस्थानों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति करेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की तीसरी वर्षगांठ पर उल्लास मोबाइल ऐप लॉन्च, बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और शिक्षा की क्रांति लाने में मिलेगी मदद। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उल्लास यानी अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी मोबाइल ऐप लॉन्च किया, साथ ही एक नारा दिया, जन जन साक्षर। यह मोबाइल ऐप साक्षरता और प्रौद्योगिकी क्षमता का उपयोग करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसका लक्ष्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को लक्षित करना है, जो औपचारिक स्कूली शिक्षा के अवसर से चूक गए हैं। यह ऐप डिजिटल साक्षरता और नागरिकों के लिए सशक्तिकरण जैसे कई महत्वपूर्ण जीवन कौशल को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस ऐप पर शिक्षार्थी खुद अपना आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने अगली पीढ़ी की हथियार प्रणाली सीकर ऑफ आकाश DRDO को सौंपा। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने अपने नए हथियार प्रणाली पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश DRDO को सौंप दिया है। सीकर लक्ष्य को भेदने के लिए हवा से हवा और जमीन से हवा मार करने वाली मिसाइल में प्रयोग की जाने वाली एक महत्वपूर्ण और प्रौद्योगिकी आधारित सबसिस्टम है। रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर की रूपरेखा DRDO द्वारा तैयार की गई है। RF सीकर उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में सक्षम है। जापान के वैज्ञानिकों ने किया डरावना खुलासा, पाताल में मरे हुए ज्वालामुखी के लावे से आते हैं जापान में भूकंप। पिछले 3 सालों से जापान भूकंपों से परेशान है। नोटो इलाके में 10,000 से ज्यादा भूकंप आ चुके हैं। जब वैज्ञानिकों ने इसकी वजह पता की तो डरावना खुलासा हुआ। पता चला कि जमीन के अंदर एक मरा हुआ ज्वालामुखी है, जिससे निकले मैग्मा यानी गर्म लावा का बहाव भूकंपों को पैदा कर रहा है। जापान के टोहोकु यूनिवर्सिटी के रिसर्च सेंटर फॉर प्रेडिक्शन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस के साइंटिस्टों ने बताया कि भूकंपों की शुरुआत जमीन से 20 किलोमीटर नीचे क्रस्ट में हो रही है, जिनका मूवमेंट ऊपरी हिस्से की तरफ है। असल में यह तरल लावा है जो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अब खबरें खेल जगत से। भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज पर 2-1 से किया कब्जा। निर्णायक तीसरे वनडे में वेस्ट इंडीज को 200 रनों से दी करारी शिकस्त। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए 3 मैचों की वनडे सीरीज के अंतिम मुकाबले में भारत ने वेस्ट इंडीज को 200 रनों से हराकर 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली है। त्रिनिदाद के ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने वेस्ट इंडीज के सामने जीत के लिए 352 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था, लेकिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्ट इंडीज ने 35 ओवर और 3 गेंदों में महज 151 रन ही बना सकी। हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी में टीम इंडिया ने 3 वनडे मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। जसप्रीत बुमराह की लंबे अरसे बाद मैदान पर होगी वापसी, सौंपी गई टीम की कमान। BCCI ने आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। 3 T20 मैचों की इस श्रृंखला के लिए जसप्रीत बुमराह की भी वापसी हुई है। बुमराह को टीम की कमान भी सौंपी गई है। बुमराह की कप्तानी में भारतीय टीम 18 से 23 अगस्त के बीच 3 T20 मैच खेलेगी। हालांकि इस दौरे की सबसे महत्वपूर्ण बात जसप्रीत बुमराह की वापसी है। उन्होंने पिछला अंतर्राष्ट्रीय मैच सितंबर 2022 में खेला था। वह बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर से जूझ रहे थे। वहीं कमर की चोट की वजह से बाहर रहे तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की भी वापसी हुई है। भारत की नियमित T20 टीम के सदस्य हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज को आयरलैंड दौरे के लिए टीम में जगह नहीं दी गई है। ओवल टेस्ट जीतकर इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-2 की बराबरी पर छुड़ाई एशेज सीरीज। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने जीत के साथ क्रिकेट को कहा अलविदा।
इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई एशेज सीरीज ड्रॉ पर खत्म हुई। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-2 के साथ बराबरी पर समाप्त हुई। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 2-2 से सीरीज के बराबर रहने के बावजूद एशेज पर कब्जा बरकरार रखा। दोनों देशों के बीच पिछले एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 4-0 से जीत हासिल की थी। ऐसे में डिफेंडिंग चैंपियन होने के चलते एशेज ट्रॉफी कंगारू टीम के पास अब भी रहेगी। ओवल में खेले गए टेस्ट मैच में 49 रनों की शानदार जीत के साथ इंग्लैंड टीम के दिग्गज तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। स्टुअर्ट ब्रॉड को ओवल में यादगार विदाई दी गई। मैच के बाद अपने करियर के बारे में बोलते हुए ब्रॉड ने अपने क्रिकेट करियर के एक अफसोस के बारे में बात की। तेज गेंदबाज ने कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि एस्बेस्टन में पहले टेस्ट मैच के अंतिम दिन उन्होंने नई गेंद चुनी। आइए जानते हैं क्या रही अंतर्राष्ट्रीय जगत की सुर्खियां। भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी डॉक्टर रेजा मिया के नेतृत्व वाली टीम को राष्ट्रीय पुरस्कार से किया गया सम्मानित। भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी डॉक्टर रेजा मिया के नेतृत्व में एक टीम को रनवे के बिना अपने ही स्थान से उड़ान भरने और उतरने वाले विमान बनाने की परियोजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर मिया ने अपनी टीम की तरफ से नवाचार और अनुसंधान की श्रेणी में यह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार प्राप्त किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 2012 में शुरू उनकी इस परियोजना के विचार को मान्यता मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के नवाचार के कई रास्ते खुल जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में एक और भारतवंशी शामिल, विज्ञानी और उद्यमी शिवा अय्यादुरई स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे चुनाव। अमेरिका में अगले वर्ष होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में एक और भारतवंशी शामिल हो गए हैं। विज्ञानी और उद्यमी शिवा अय्यादुरई ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव में शामिल होने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हम अभी दौराहे पर खड़े हैं, हम या तो स्वर्ण काल की ओर बढ़ सकते हैं या अंधेरे की ओर, इसलिए हम लेफ्ट और राइट से ऊपर उठकर अमेरिका के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। आपको बता दें कि शिवा अय्यादुरई से पहले भारतीय मूल के हर्षवर्धन सिंह ने भी रिपब्लिकन पार्टी से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है। उन्होंने अपनी दावेदारी पेश करते हुए कहा कि वह जीवन भर रिपब्लिकन पार्टी के लिए समर्पित रहे हैं। इससे पहले हर्षवर्धन मेयर से लेकर सांसद तक का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन 3 चुनावों में से उन्हें किसी में भी सफलता नहीं मिली है। म्यांमार में 6 महीने के लिए फिर से बढ़ा आपातकाल, अमेरिका ने की निंदा। म्यांमार में आपातकाल 6 महीने के लिए फिर से बढ़ा दी गई है। अमेरिका ने म्यांमार में आपातकाल 6 महीने और बढ़ाने को लेकर वहां की सरकार के कदम की निंदा की है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि म्यांमार के सैनिक शासन ने पूरे देश में व्यापक स्तर पर क्रूरता फैला दी है। म्यांमार की सैन्य सरकार ने इस वर्ष आपातकाल का विस्तार करने के बाद अगस्त में होने वाले आम चुनाव को स्थगित कर दिया था। देश में 2021 में हुए तख्ता पलट के बाद आपातकाल लगाया गया था और अब चौथी बार इसका विस्तार किया जा रहा है। न्यूज विद चिल्ड्रन में आज इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कोशिश पसंद आई होगी। तो अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी देश और दुनिया की खबरों के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।